अगर हम स्टार प्लस में अभी चल रहे शोज की हम सबसे पॉपुलर हम शो की हम बात करें तो पांड्यास्त्र सीरियल को कैसे भूल सकते हैं। ये सीरियल ऑडियंस को इतना ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए तो टीआरपी में हमेशा ये शो टॉप पर रहता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ ऋषभ दत्ता, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो पांड्यास्त्र सीरियल की ओपनिंग टीआरपी, हाईएस्ट टीआरपी और लोएस्ट टीआरपी। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरियल है पांड्यास्त्र, ये सीरियल हमको देखने को मिलता है स्टार प्लस पर 7:30 बजे। इस शो की जो हम बात करें, मेन लीड में हमको देखने को मिलता है शाइनी दोषी, किंचुक महाजन, एलिस कौशिक, कानूवर डिलन, ऐसे ही अच्छे अच्छे कलाकार इस शो में हमको देखने को मिलता है। इस शो की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और स्टार्स की एक्टिंग भी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए टीआरपी बहुत ही अच्छा आता है इस सीरियल की। इस सीरियल में जो साइनू जोशी का जो धारा का किरदार है ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इस सीरियल का कहानी ऐसा है कि जो एक स्टोर है जिसका नाम एक स्टोर होता है जिसका पांड्या स्टोर है उस स्टोर का नाम, और उस घर में स्टार भाई होते हैं। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस शो की। और इस सीरियल स्टार होता 25 जनवरी 2021 को। ये शो अभी भी चल रहा है स्टार प्लस पर। अभी हम बात करें इस शो की परफॉर्मेंस, अभी तक इस शो कैसा परफॉर्म कर रहा है टीआरपी में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस शो की हम बात करें ओपनिंग टीआरपी की, वो था 1.0। तो इस शो का जो ओपनिंग टीआरपी 1.0 था, क्योंकि ये शो लेट नाइट देखने को मिलता था, 11 बजे देखने को मिलता था पहले, इसलिए इसका टीआरपी इतना कुछ खास नहीं था, 1.0 था। उसके बाद इसका जो टाइम स्लॉट है वो चेंज कर दिया गया, 7:30 को लाया गया। लोएस्ट टीआरपी की हम बात करें वो है 0.9, ये भी 11 बजे ही देखने को मिलता था, 0.9। और हम हाईएस्ट टीआरपी की हम बात करें वो है 2.3। तो देखिए, जब ये सेल को 7:30 में टाइम स्लॉट चेंज कर दिया गया, तभी इसका टीआरपी बहुत ही ज़्यादा हाई आने लगी। 2.3 के इसका हाईएस्ट टीआरपी है। अभी तक इस शो का क्लोजिंग टीआरपी नहीं आया है, क्योंकि इस शो अभी भी चल रहा है स्टार प्लस पर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है टीआरपी में, हमेशा ही टॉप 10 में सेल रहता ही है। उसके अलावा एक टाइम स्लॉट लीडर भी है इस शो 7:30 में। क्या आप लोग देखते हैं इस शो स्टार प्लस पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।